हर महिला चाहती है कि वह जो भी खाना बनाए उसका स्वाद बेहतरीन हो और पसंद भी आए। इसके लिए कुकिंग करते समय वह अलग अलग तरह के बदलाव भी करती हैं, क्योंकि उन्हें किचन में होने वाली छोटी मोटी गलतियों से काफी गलती से सीखे लेती है। आज हम आपको कुछ 20 किचन हैक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। 1. कसूरी मेथी की जगह आप करी पत्ते के सूखे पत्तों का पाउडर बनाकर ही डाल सकते हैं। 2. तेज आंच पर सब्जी बनाते वक्त अक्सर नीचे लग जाती है, ऐसे में सब्जी में 2 टीस्पून दही मिलाएं। दही मिलाने से सब्जी में जलने का स्वाद नहीं आएगा। 3. आटे को एक एयर टाइट प्लास्टिक बैग में करके फ्रिज में रख दें। इससे वह आपका आटे कभी खराब और काला भी नहीं होगा। 4. सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए डालिए 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। इस वह सॉफ्ट भी बनेगा और बाइंडिंग में भी काम आएगा। 5. पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें। 6. मसाले स्टील के डिब्बों में न रखें, क्योंकि स्टील में जंग लग जाता है। 7. पापड़ खाना पसंद है तो इसे तलकर किसी एयर टाइट जार में भरें और फ्रिज में रख दें। ये कई दिनों तक क्रिस्पी बने रहेंगे और आपको बार बार इन्हें तलने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। 8. इडली डोसे का बैटर खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला लें, खट्टापन हट जाएगा। 9. बड़ा चम्मच मूंगफली और 1 बड़ा चम्मच तिल को भूनकर पीस लें और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें मिला दें। 10. मटर पनीर की सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ा सा दूध जरूर डालें, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। 11. बटर फ्राई पैन में ना जले, इसके लिए ऊपर से डालें 1 चम्मच तेल, इससे बटर नहीं जलेगा। 12. खाना बनाने के बाद यदि बर्तन जल गया है और साफ नहीं हो रहा तो उसमें डालें चाय की पत्ती के साथ पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ करने पर बर्तन चमक उठेगा। 13. बारिश में लाल मिर्च पाउडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का 1 टुकड़ा डाल दें, लाल मिर्च खराब नहीं होगी। 14. घर में दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर दूध को ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, यही आराम से जम जाएगी। 15. अगर घर पर तंदूरी रोटी सॉफ्ट नहीं बनती है तो आटा गूंधते समय दही और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। 16. भिंडी काटते समय चाकू पर थोड़ा नींबू रगड़ें, ऐसा करने से चाकू और हाथ लिसलिसे नहीं होंगे। 17. ककड़ी, लौकी और बूंदी के रायते में जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगाकर खाने से रायते का स्वाद 2 गुना हो जाता है। 18. भटूरे के आटे में जल्दी और अच्छा खमीर उठाने के लिए ब्रेड के 2-3 स्लाइस चूरा करके मिलाएं। 19. घी में पान के टुकड़े डालकर उसे गर्म करें और छान कर रखें तो घी बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। 20. सूजी का हलवा बनाते समय उसमें थोड़ा सा बेसन मिलकर भून लें, बेसन से सूजी के हलवे का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, इसलिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और स्वस्थ रहें, खुश रहें।